बेटी की विदाई पिता करता है, बात कहता है बेटी जाओ मगर जा करके अच्छे से रहना। बेटी कहती है कि हे पिताजी हम जा तो रहे हैं, जिस घर को मैंने कभी नहीं देखा उस घर को पहली बार देखने जा रही हूँ, मगर आप चिंता न करें। मेरे भैया तैयार खड़े हैं।
लेकिन जब बेटी की विदाई करते हैं तो पिता का कलेजा फट जाता है। भाई रोता और भाई कहता कि भैया रो तो इसलिए रहे कि मैंने बहन से जब जब लड़ाई की है तब बहन की कोई गलती नहीं हुआ करती थी, मैंने जब जब बहन से लड़ाई की तब तब मैंने अपनी तरफ से की है। और शाम को खाना खाने का नंबर आया तो बहन को मैंने नहीं मनाया, बहन मुझे उल्टा मनाने आई। रो तो इसलिए रहे हैं कि आज के बाद में ना कोई लड़ने वाला है और ना कोई मनाने वाला रहा है। अनेक अरमान होते हैं, ससुराल में पहुंच करके बेटियों को सम्मान मिलता है और जिन बेटियों को सम्मान नहीं मिलता है वो पूरी जिंदगी पछताती है। प्रभु मैंने ऐसा कौन सा कार्य कर दिया है जो कि मुझे ससुराल में सम्मान नहीं मिल पा रहा है। और माताओं एक बात का ध्यान रखना कि ससुराल को संभालने के लिए कभी कभी आप अपने विचारों को चेंज कर लेना, क्योंकि सच्ची बहू वही होती है जो परिवार को संभाल के रखती है। सच्ची बेटी वही होती है जो ससुराल में जाकर के बिखरे हुए परिवार को इकट्ठा रखती है, वो सच्ची बहू और सच्ची बेटी हुआ करती है। आज मैया को विदा किया।